अस्सलाम वालेकुम। तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सेवरल टास्क एंड वन ऑफ देम इज इमेज रीसाइजिंग। सो फॉर डूइंग दैट वी हैव टू राइट अ कोड एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज इमेज वी हैव टू यूज ओपन सी वी लाइब्रेरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट सी वी टू and then we are going to run it. The next thing is we are going to read the image file. First of all, make a variable and then cv2.imread image name lu.jpg. The next thing we are going to do is to show the image cv2.imshow. What is going to be the name of the window? We say Marhor as it was the previous name as well. And then we are going to write the variable image in which the image is stored. Now we have to use cv2.waitKey so that the image is not disappeared as soon as it is appeared. So we are going to write 0 in it. I told you why we write 0, so that whenever we have to close the window, we have to press some key. So this is voluntary act, and we do it when we want. It is not like it is going to happen whether we want or not. So then we have destroy all cv2.destroy destroy all windows. This function is used. We have done this in the previous video. Today we are going to resize the image in the first part of the video. For that we have to make another variable image resize that is equal to cv2.resize. This is a function. Then we have to give the variable img, and then we have to write the height and width, for example 500 and 500. Okay, and now we are going to run it. What will happen? And we are going to see. So it was appearing as it is previously, and still it is appearing like this. It is not 500 500. What is the mistake we have done? Image resize. Now we are going to use this variable because this resized image is stored in this. Okay, and now if we run it, see 500 500. So this is the first part of video in which we have resized the video. अब ये हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है? इमेजेस को स्टैक करना है. ठीक है, शोइंग मल्टीपल इमेजेस, शोइंग मल्टीपल इमेजेस इन वन विंडो. अब हम लोगों ने ये काम करना है. अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? यही ये सारा हमें एज इट इज रखना है. बस हमें एक चीज़ और इम्पोर्ट करनी होगी, जो कि होगा नम पाए एज एन पी. ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया. उसके बाद आपने क्या करना है कि ये अब आपके पास क्या हुआ है, इमेज रीसाइज हुआ है. अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, आपने यूज़ करना है एन पी. ओके, पहले आप इसको करें एच वेरिएबल के अंदर आप इसको स्टोर करें. एच इज इक्वल्स टू एन पी डॉट एच स्टैक. ठीक है, np डॉट एच स्टैक किया. इसका मतलब है कि नम पाए एरे बनेगी, और बेसिकली क्या होगा, उसमें हॉरिजॉन्टली स्टैक करो. किस चीज़ को हॉरिजॉन्टली स्टैक करो? आप इमेज img underscore resize, और फिर से img underscore resize, क्योंकि आपने सेम इमेज ही आपने दो दफ़ा दिखाई. ठीक है, और अब आप यहाँ पर जो है वो ये लिखने के बजाय आप एच लिखो, क्योंकि आपने शो क्या कराना है, एच शो कराना है, तो वो आपने एच लिख दिया. अब आप इसको ज़रा कंट्रोल एंटर करो. देखो, अब ये देखो आपके पास हॉरिजॉन्टल में दो पिक्चर्स आ गई. ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस आप इसका साइज़ जो है वो
200 और 200 कर देते हो और अब आप इसको वी स्टैक करते हो, ठीक है, और फिर कंट्रोल एंटर करते हो तो ये देखो वर्टिकली स्टैक हो गया। पहले हमने हॉरिजॉन्टली स्टैक किया था और फिर हमने क्या किया, वर्टिकली स्टैक कर दिया। अब देखें, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो कर लिया, इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा, इसको हम यहाँ लिखते हैं वी लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ लिखते हैं एच लिख दिया, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया। अब आपने बेसिकली क्या किया, अब इसको एक मिनट ज़रा हम थोड़ा सा इसको जो है वो कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल एंटर करके देखें, ये वर्टिकल में जा रहा है अभी, ठीक है। अभी हमें इसको किस में करना है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल स्टैक करेंगे इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमने इसको क्या कर दिया, स्टैक कर दिया। अब आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली स्टैक करने के बाद अब जो एक हॉरिजॉन्टल स्टैक है उसके नीचे आपने क्या लगाना है, दूसरा हॉरिजॉन्टल स्टैक लगाना है। तो आप क्या करो कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्टैक लगाओ एच, और फिर आप यहाँ पर दूसरा हॉरिजॉन्टल स्टैक लगा दो, ठीक है, ये कर दो, और उसके बाद आप यहाँ पर वी शो करा दो। जब आप ये कराओगे तो अब आप ये देखो आपके पास चार इमेजेस आ गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर एक और जो है वो करना चाह रहे हो, IMGRESIZE, तो ये रीसाइज हो गया। और फिर यहाँ पर आप तीन यानी कि 3x3 का भी आप कर सकते हो, ये देखें 3x3 का हो गया। अब फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर जो है वो रोज जो है वो 2 रखना चाह रहे हो लेकिन कॉलम्स 3 रखना चाह रहे हो, तो देखो 1, 2 और ये 3 कॉलम हो गया और 2 रोज हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल इमेजेस जो है वो शो करा सकते हो विद इन वन विंडो, और विंडो का नाम क्या, मारखोरगोई जो हमने रखा था। सो दिस इज़ सो सिंपल सो ईजी, आप लोग इसको अप्लाई करें, देखें, अगर कोई मसला आता है तो कॉमेंट से मुझे बताएँ कि क्या मसला आया है।